नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट के बारे में जहां ज्यादातर कांग्रेस को जीत मिलती है। आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा विधानसभा सीट के बारे में। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मिशन राजस्थान को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने यहां से अर्जुन सिंह बामनिया को फिर से मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने हकरू मैदा का टिकट काटकर धन सिंह रावत को मौका दिया है। बांसवाड़ा जिले की सभी सीटें एसटी आरक्षित हैं और यहां से अधिकांश कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिलती आई। आपको बता दें कि इस सीट से 9 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 बार ही जीत मिली। 2018 के चुनाव में भी इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की, जबकि 2013 में यहां भाजपा को जीत मिली। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की नजर इस सीट पर है। अब बात करें बांसवाड़ा के 2018 के चुनाव, तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह बामनिया ने 18,366 मतों के भारी अंतर से बीजेपी प्रत्याशी हकरू मैदा को हराकर जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में बीजेपी नेता हकरू मैदा को 70,081 वोट मिले, तो कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह बामनिया ने 88,447 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। राजस्थान में बांसवाड़ा विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। इस बार यहां से जीत किसको मिलेगी, ये तो बांसवाड़ा की जनता ही है। अब बात करें बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहां 280,000 के आसपास मतदाता है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट एसटी बाहुल्य सीट, यहां प्रत्याशी की हार और जीत आदिवासी तय करते हैं। अब बात करते हैं यहां के 2023 के चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में। कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह बामनिया की बात करें तो ये कांग्रेस का जाना माना चेहरा है। बामनिया ने पिछले 4 में से 3 चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2013 के चुनाव में अर्जुन सिंह बामनिया धन सिंह रावत से चुनाव हार गए थे। बता दें बामनिया वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री हैं। और अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत की, तो वे बांसवाड़ा से बीजेपी के मजबूत नेताओं में से हैं। 2004 में वे बांसवाड़ा से लोकसभा सीट से सांसद भी बने और 2013 के चुनाव में उन्होंने बांसवाड़ा सीट से जीत हासिल की और इसके बाद धन सिंह रावत को राज्य मंत्री भी बनाया गया। बांसवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार बांसवाड़ा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।